उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरव वल्लभ ने गर्भवती महिलाओं के भ्रूण को मारने का आरोप लगाया। गौरव वल्लभ बोले, केंद्रीय मंत्री एक्सपायरी खजूर खिलाकर महिलाओं की जान को खतरे में डालती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ। सर, अब 2 दिन ही बचे हैं, कांग्रेस की किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहेगी ताकि चुनाव जो है वो वोटिंग के दिन जनता तक अपना पूरा मैसेज पहुंचा। अवैध खनन प्रेमी सीनियर श्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध खनन प्रेमी जूनियर श्री धामी जी की हार स्वीकार कर ली है। पहले मैं बोलता था कि भाजपा के विधायक एक इनोवा में सारे समा जाएंगे, पर आज जो वीडियो महिलाओं के विरोध की मानसिकता के उनके आए, अश्लील वीडियोस महिलाओं से बात करते हुए उनके शीर्ष नेताओं के आए हैं, जिस तरह से एक महिला मंत्री उनकी महिलाओं की बच्चों की भ्रूण में हत्या करने के लिए उनको एक्सपायर्ड खजूर खिला रही है, उसके बाद पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 10 मार्च 2022 को इनोवा नहीं सिर्फ एक ऑल्टो की जरूरत पड़ेगी। सर, आपने बोला कि एक्सपायरी खजूर जो है वो खिलाए जा रही, तो इसके खिलाफ क्या कांग्रेस को एक्शन ले? जेल तो जाना पड़ेगा, इसकी जांच होगी। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, अवैध खनन जिन्होंने भी किया, जेल तो जाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की भी इस अश्लील वीडियो में आवाज है उसको भी जेल जाना पड़ेगा। जिस रावण की, जो कई बार दशरथ भी बन जाते हैं, उस रावण को जेल तो जाना पड़ेगा। और नंबर 3, जिस महिला ने महिलाओं की भ्रूण, बच्चों की भ्रूण हत्या करने के लिए एक्सपायर्ड खजूर खिलाए, उसकी जांच में जो भी लिप्त होगा उसको जेल तो जाना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल आपसे, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। स्टार प्रचारक के रूप में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरे हुए हैं, राहुल गांधी भी उतरे हुए हैं और कल प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। कैसे देख रहे हैं इस चुनावी शंखनाद को? बताएं मोदी जी यहाँ आके कि क्यों धर्मनगरी कुंभ में टेस्टिंग का कोरोना घोटाला हुआ। बताएं मोदी जी यहाँ आके कि बात करनी थी आपको रोजगार युक्त, आपने कर दिया धर्मनगरी को नशा युक्त। बताएं मोदी जी आके इन सवालों का जवाब दें। और दूसरी तरफ 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान, महिलाओं को 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपये प्रतिवर्ष स्वावलंबन राशि, 4 लाख रोजगार का सृजन, 500 के अंदर गैस सिलेंडर और हर गांव हर द्वार तकनीक के द्वारा मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए संकल्पित हैं। 10 मार्च को मैंने आपको कई बार बोला, 10 मार्च को जिस टेबल पे मुख्यमंत्री अपने पद के हस्ताक्षर करेंगे, उसी टेबल पर उसी समय उत्तराखंड वासियों के सामने 4 धाम 4 काम का कैबिनेट नोट के भी हस्ताक्षर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमारे साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, देहरादून।